बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मैं आपका होस्ट मोहम्मद मुदस्सर सुल्तानी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कारोबारी सच। जी तो नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि चूना करने का सही तरीक़ाकार क्या है, चूने को हमने किस तरह लगाना है और किस तरह तैयार करना है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मुकम्मल तफसील के साथ स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आपने चूना कितना लेना है, उसके अंदर पानी कितना डालना है, उसके बाद जो इसके अंदर रॉ मटेरियल हमने इस्तेमाल करना है वो क्या क्या है। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, कहीं से स्किप नहीं करना। तो आज की वीडियो में आप लोगों को मुकम्मल तफसील के साथ बताऊँगा कि चूना करने का सही तरीक़ाकार क्या है। तो बहुत सारे लोग अपने घरों के अंदर चूना वगैरह लगवा लेते हैं या करना शुरू कर देते हैं, मगर उन लोगों को पता नहीं होता कि चूना करने का सही तरीक़ाकार क्या है, यानी कि कितनी क्वांटिटी में हमने चूना लेना है, कितना उसके अंदर पानी डालना है और इसकी एहतियाती तदाबीर क्या होती हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक की तरफ जाने से पहले, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों के लिए मैं इजाफा कर सके और कारोबारी इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो नाज़रीन, टॉपिक पर जाने से पहले आपको चूना करने की एहतियाती तदाबीर मैं बता दूँ। तो ये जो चूना होता है ये केमिकल ही होता है, तो ये डिस्टेंपर की तरह नहीं होता है। तो आपने जब इसको लगाना है या करना है तो आपने अपनी आँखों को महफूज कर लेना है। अगर आपके आँखों के अंदर एक कतरा भी इस चूने का चला गया तो आँखें आपकी ख़राब होने का ख़दशा है और आपको बहुत सही तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। तो आपने जब भी चूना करना है तो अपनी आँख को अच्छी तरह हिफाजत कर लेनी है। तो ये डिस्टेंपर नहीं है कि हम हल्का सा पानी लगाएँ तो वो साफ़ हो जाएगी। तो इसलिए आपने ये ख़ास तौर पर एहतियात करनी है कि आपकी जो आँख है वो इससे महफूज रहे। तो अब नाज़रीन, आपको मैं बताता हूँ कि चूना करने के लिए हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत होगी जिससे हम तसल्ली से और आराम से चूना बना सकते हैं और कर सकते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले ये हमने ड्रमी लेनी है, लोहे की ड्रमी। तो अक्सर लोगों को पता नहीं है, तो ये आपने प्लास्टिक की ड्रमी नहीं लेनी जिसके अंदर हमने चूना भिगोना है, क्योंकि चूना जो होता है वो हीट अप होता है। तो अगर हम प्लास्टिक की ड्रमी लेंगे तो अगर उसके अंदर हम चूना भिगोने की कोशिश करते हैं या करते हैं तो वो पिघल जाएगी। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। तो आपने लोहे की ड्रमी लेनी है, उसके अंदर आपने चूना भिगोना है। उसके बाद चूने की बात करते हैं तो चूना दो किस्म का होता है, एक पाउडर चूना होता है और एक डली वाला चूना होता है। तो आपने ये वाला चूना लेना है। अगर आपने अपने घर के अंदर चूना करवाना है तो ये वाला चूना आपने डली वाला चूना सेलेक्ट करना है, आपने पाउडर चूना नहीं सेलेक्ट करना है, क्योंकि पाउडर जो चूना होता है वो अक्सर खलारने के लिए किसी फंक्शन वगैरह पे या कंट्रोल शेडों में मुर्गियों के नीचे खलारने के काम आता है। तो ये जो आपने डली वाला चूना लेना है। उसके बाद हमें पानी की ज़रूरत होगी। उसके बाद हमें ये केमिकल है एक्लेरिक, अगर आप इसके अंदर चूने के अंदर एक्लेरिक डालना चाहते हैं तो एक्लेरिक डाल लें। अगर आप गिलू डालना चाहते हैं, कोई अच्छी क्वालिटी का जर्मन वाइट गिलू अगर वो डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो इसका फ़ायदा यही है कि जो अक्सर दीवार के ऊपर हाथ वगैरह लग जाता है या कपड़े वगैरह पर लगता है, तो इसी की वजह यही होती है कि अक्सर लोग हैं ना चूने के अंदर ना तो गिलू शामिल करते हैं और ना कोई एक्लेरिक वगैरह। तो ये डालना आपने इसलिए है कि ताकि जो चूना आपने कर रहे हैं वो आपके हाथों पे भी ना लगे और आपके कपड़ों के ऊपर भी ना लगे। तो अगर आप लोगों ने चूने के अंदर कलर तैयार करने हैं, मिसाल के तौर पर आप पर्पल कलर करना चाहते हैं, ब्राउन कलर करना चाहते हैं, तो ये ट्यूबें होती हैं, ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ट्यूबें, ये आपको काफ़ी सारे कलर मिल जाएंगे, यानी कि 10 से 12 कलर होते हैं इन ट्यूबों के अंदर। तो आप इनमें से कोई भी कलर, अगर आपने ऑरेंज कलर करना है या ब्लू ब्राउन, आपने कोई सा भी कलर करना है तो ये ट्यूबें मार्केट से इजीली मिल जाती हैं। 35-40 रुपए की ट्यूब है, अच्छी है ये। तो अगर आप लोग वाइट चूना करना चाहते हैं तो वाइट के अंदर हमने ये नील इस्तेमाल करना है। ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, एक नील की डब्बी है। तो अगर हमने नील के अंदर ये यानी कि नील डालते हैं तो इसकी चमक के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हम इस वक्त 5 किलो चूना लेंगे, तो पानी लेंगे हम 4 से 5 लीटर वक्ती तौर पे इसके अंदर डाल देंगे। अगर हमको बाद में ज़रूरत होगी, यानी कि भाई चूने के अंदर पानी मिक्स करने की, तो वो बाद में भी आप मिक्स करके उसको पतला या गाढ़ा अपने हिसाब से बना सकते हैं। आपने इसके अंदर इतना पानी डालना है कि ये जो चूना है ये पानी के अंदर अच्छी तरह डूब जाए।
जी नाजरीन, हमने यानी कि चूने के अंदर पानी मिक्स कर दिया है, तो अब हमने इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे पड़े रहने देना है ताकि जो चूना है वो अच्छी तरह ठंडा हो जाए। जी तो नाजरीन, हमारा जो चूना है वो अच्छी तरह ठंडा हो चुका है, यानी कि जो इसने हीट वगैरह छोड़नी थी वो अच्छी तरह छोड़ दी है और अब ये ठंडा हो गया है। तो अब हमने इसके अंदर पानी भी मिक्स कर लिया और इसको पतला कर लिया जिस हिसाब से हमें चाहिए। तो अब हमने इसके अंदर जो चीज़ें ऐड करनी है, शामिल करनी है, वो अब शामिल करेंगे। तो ये एक्लेरिक, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये मज़बूती के लिए डाला जाता है, तो ये हम तकरीबन 5 किलो चूने में 1 kg प्योर D18 क्लैरिक डालेंगे। यह क्लैरिक डालने के बाद हमने इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग करनी है ताकि जो क्लैरिक है वो चूने के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब हमने इसके अंदर कलर तैयार करना है, तो अगर आप लोगों ने कलर तैयार करना है तो आप कोई सी ट्यूब भी लेकर इसके अंदर मिक्स करके कोई सा भी कलर तैयार कर सकते हैं। तो हम इस वक्त वाइट यानी कि शाइनिंग के लिए, चमक के लिए इसके अंदर नील इस्तेमाल करने लगे हैं। तो नील आपने पानी के अंदर मिक्स करना है, तो आपने डायरेक्ट पाउडर नील इसके अंदर नहीं डालना है, तो ये अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा। तो आपने थोड़ा सा पहले पानी लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा नील निकाल कर पानी के अंदर अच्छी तरह मिक्स करके इसके अंदर डालना है। तो जी नाजरीन, हमारा जो चूना है वो अच्छी तरह मुकम्मल हो चुका है, यानी कि हमने इसके अंदर क्लैरिक भी मिक्स कर दिया और ख़ूबसूरती के लिए, चमक के लिए नील भी मिक्स कर दिया है। तो अब हम इसको अच्छी तरह छान लेंगे ताकि जो कचरा वगैरह है जो हम निकालने लगे हैं चूना, तो उसके अंदर ना जाए। नाजरीन, अब हमने चूना अच्छी तरह छान लिया, यानी कि साफ बाल्टी के अंदर आपने इस तरह पुन लेना है अच्छी तरह, जो कचरा वगैरह है वो साइड पे निकाल देना है और आपका जो साफ़ चूना है इस बाल्टी के अंदर आ जाएगा। तो अब हमने इसको दीवार के ऊपर लगाना है। तो जी नाजरीन, अब हमने दीवार के ऊपर लगाना है। ये जो चूना होता है ये आप ईंटों के ऊपर भी लगा सकते हैं, प्लस्तर के ऊपर भी लगा सकते हैं, तो जहाँ आपका दिल करे इस चूने को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ये ख़राब दीवार है यानी कि टीप हुई ये दीवार के ऊपर, तो ये हमने सेलेक्ट की है। तो ये लगाने का मकसद ये है कि आप ये चूना कहीं पर भी लगा सकते हैं।
जी तो नाजरीन, हमारा जो पहला कोड चूने का हमने दीवार के ऊपर लगा दिया है, तो इसी तरह आपने यानी कि पहला कोड लगा देना है, इसको अच्छी तरह खुश्क होने देना है, सूखने देना है, उसके बाद आपने इसके ऊपर दूसरा कोड लगा देना है खूबसूरती के लिए, ताकि जो आपकी दीवार है यानी कि वो अच्छी तरह उसके मसाम वगैरह बंद हो जाए और छुप जाए। तो ये तरीक़ाकार था चूना करने का सही, जो आपको मैंने स्टेप बाई स्टेप मुकम्मल गाइड कर दिया है। तो अगर आप लोगों ने मज़ीद कोई चूना करने के रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका तफसीली जवाब दे देंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।